समाज के उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी, डॉक्टर नीरू सोनी, सेवानिवृत्त जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा का सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर, माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। न्यायिक अधिकारी डॉक्टर नीरू सोनी के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय चंबल स्पाइसी पर सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरू सोनी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास में बहुत बड़ी सहायक होती है। इस अवसर पर समाज की ओर से सेवानिवृत्त जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा का साफा माला व स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्णकार समाज अब अन्य समाजों की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ रहा है और धौलपुर में भी समाज सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा ने मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर समाज के श्रवण कुमार वर्मा, परिवहन विभाग से जिला परिवहन अधिकारी रमेश पांडे, मुन्नालाल कुमावत, रामवीर सिंह चौधरी, मनीष सोनी, धीर सिंह मीणा, श्रीकांत कुमावत, मनोज शर्मा, निहाल बाबू, अतुल कुमार भार्गव, संजय अग्रोहा, संचिता अग्रोहा, धीरज शर्मा, राजवीर सिंह गुर्जर, सत्यभान सिंह बैंसला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सन 1996 में पहली पोस्टिंग के लिए नौकरी में जब मैं सब इंस्पेक्टर के तौर पर यहाँ आया था और आज लगभग 25-26 साल बाद जिला परिवहन अधिकारी के तौर पर मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। एसपी नारायण टोगस को पत्रकारों ने दी भावभीनी विदाई। धौलपुर की प्रमुख खबर, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस का स्थानांतरण होने पर आईएफडब्ल्यूजे पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेशराज पचौरी के नेतृत्व में जिले के पत्रकारों ने एसपी टोगस को भावभीनी विदाई दी तथा ईश्वर से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आईएफडब्ल्यूजे पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेशराज पचौरी ने बहुत ही छोटे कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मात्र 3 माह के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में धौलपुर पुलिस द्वारा अनेक गंभीर एवं ब्लाइंड केसों को सुलझाया, गंभीर अपराधियों को पकड़ा गया, यह एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष पचौरी के साथ धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल, ब्लॉक महासचिव रनीश तिवारी, महेंद्र दुबे, जयपाल सिंह गुर्जर, उपेंद्र दीक्षित आदि लोग साथ में रहे। नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर मंगल का हुआ अभिनंदन। बड़ी की प्रमुख खबर, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर नगर के समाज सेवियों ने वरिष्ठ फिजिशियन चिकित्सक डॉक्टर सुरेश मंगल व डॉक्टर निर्मला मंगल का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर मौजूद गणमान्य समाज सेवियों ने डॉक्टर्स को मानव जीवन के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि डॉक्टर के बिना अब स्वास्थ्य को संभालना बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य में कस्बा के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुरेश मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने अनेक गंभीर रोगियों को सही इलाज देकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर मंगल का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर भावभीनी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेशराज पचौरी, प्रभाकर दीक्षित, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, जगदीश प्रसाद मंगल, एडवोकेट अरुण मंगल, राकेश गर्ग, शशिकांत पाराशर, बॉबी मेडिकल आदि मौजूद रहे। अपना घर आश्रम भरतपुर के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित। बड़ी की प्रमुख खबर, विमंदित असहाय पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम भरतपुर के 22वें स्थापना दिवस पर अपना घर सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन अपना घर आश्रम बाड़ी पर संपन्न हुआ। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी बाड़ी राधेश्याम मीणा, कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा एवं विशिष्ट अतिथि अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, बाड़ी पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग रहे। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कहा कि अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा बहुत ही पूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर 41 यूनिट रक्तदान हुआ। अपना घर महिला इकाई की अध्यक्ष विमला गर्ग, सचिव
कुसुम मित्तल एवं उषा मित्तल रक्त बैंक प्रभारी डॉक्टर अनुज गुप्ता ने शिविर को सफल बताया। इस मौके पर समिति के संरक्षक मनोज मोदी, गोपाल दास गर्ग, बबलू तेजाजी, बनवारी सर्राफ, भुवनेश्वर शर्मा, जे के अनिल मंगल, पप्पन रामनिवास अग्रवंशी, नीरज गौड़, जगन्नाथ कोहली, महेश सर्राफ आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। घर में घुसकर तमंचा की नोक पर लज्जा भंग, विवाह में बने रोड़ा, पीड़िता ने कराया नामजद मामला दर्ज। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी एक अविवाहित युवती ने थाना राजाखेड़ा में लिखित तहरीर देकर गांव के ही तीन व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि मामला 3 महीने पहले का है। गांव के 3 युवक घर में घुस आए थे, जिस वक्त मेरे परिजन खेत पर गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी, तब तीनों ने तमंचा की नोक पर मुझे धमकाया तथा साथ में आए हुए व्यक्तियों ने अश्लील फोटो खींचे। एक व्यक्ति तमंचा ताने खड़ा रहा, बाद में मुझे जमीन पर पटक लिया तथा मेरी लज्जा भंग की। मेरी शादी 9 जुलाई 2022 को होना तय हुई और वह शादी नहीं होना देना चाहते हैं तथा मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं तथा वह मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। घटना के बाद दोबारा तीनों जने मेरे घर में घुस आए, जहां मेरे भाई वीरेंद्र की लात घूसों से मारपीट की एवं मेरे सभी परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने अपनी तहरीर में तीनों लड़कों के नाम दर्ज लिखित रिपोर्ट दर्ज थाना राजाखेड़ा में की है, जिस पर थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। उदयपुर हत्याकांड को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील। सर्वथरा की प्रमुख खबर। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल हत्या की घटना को लेकर सर्वथरा उपखंड में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सर्वथरा पुलिस ने उपखंड के मुख्य बाजार में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी अनिल गौतम के नेतृत्व में शहर के सभी मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च में SDM मनीष कुमार, तहसीलदार प्रवीण गर्ग सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सर्वथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। समस्त जिलावासियों से अपील है कि इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर संयम बनाए रखें। पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सतत निगरानी कर रही है। किसी भी प्रकार की भड़काऊ या अनुचित पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई